वेलकम टू आपका ट्विटर। हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसको ये आपको पता करना है कि आपको कहाँ जाना है। तो इसलिए अपने ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी को पता करने के लिए आप अपने सर्च इंजन में टाइप कीजिए ड्राइविंग लाइसेंस दिल्ली। क्योंकि दोस्तों हम ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि पता नहीं ड्राइविंग लाइसेंस बनाना बहुत मुश्किल है, हमें ये नहीं पता कहाँ जाना है क्या करना है, तो चलो इसी एजेंट को पैसा दे दे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने बनवाया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे आप ये टाइप करेंगे उसके बाद एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको दिल्ली ट्रांसपोर्ट क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा, इसमें आप जोनल ऑफिस इंफॉर्मेशन की एक ऑप्शन आएगी, आप इसको क्लिक कीजिए। कि हम सोचते हैं पता नहीं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बार बार जाना पड़ेगा, पर जैसे हम एग्ज़ाम की तैयारी करके जाते हैं अगर हम इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाए तो ऐसे कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। आप जर्नल ऑफिस इंफॉर्मेशन को क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा, उसमें आपको सारे जोन्स का पता चल जाएगा कि आप कौन से एरिया में रहते हैं और आपके में कौन सा जोन लगता है और आपको कहाँ जाना है। अगर आप नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, अगर आप इसी लाइन प्रतापनगर इन एरिया में रहते हैं तो आपका नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट लगता है और आपके सेंटर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों वापिस हम अगर देखिए, अब दूसरी तैयारी है क्वेश्चंस की तैयारी के साथ मैं आपको बता दूं कि जब आप जाए तो अपने एड्रेस प्रूफ लेके जाइए। एड्रेस प्रूफ के लिए वोटर कार्ड, आधार कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनमें से कोई भी ले जाइए, अपनी फ़ोटो लेके जाइए। और डेट प्रूफ, अपने बर्थ डेट के प्रूफ के लिए 10th क्लास का सर्टिफिकेट या फिर पैन कार्ड, दोनों ही ले जाइए या एक ले जाइए ताकि आपको वापस ना आना पड़े। उसके बाद लल्ला लाइसेंस की साइट पर आइए, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा आपको कितनी फ़ीस लेके जानी है। अगर आप एक मतलब स्कूटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक इतनी फ़ीस, अगर आप टू व्हीलर प्लस कार तो इतनी फ़ीस, यहाँ से आप ये देख लीजिए। उसके बाद आप आइए, यहाँ पे ऑप्शन है क्वेश्चन बैक फॉर कंप्यूटर लल्ला लाइसेंस टेस्ट, इसको क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके सामने एक विंडो ओपन होगी, इसमें क्वेश्चन बैंक को क्लिक कीजिए। अब आपके सामने एक पेज ओपन होगा, इसमें आपको पूरे टोटल क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपके घर में अपना पीसी है तो इसे डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपके घर में अपना पीसी नहीं है तो इसे साइबर कैफे से प्रिंट आउट करा लीजिए, क्योंकि किसी एजेंट को पैसे देने से बहुत सस्ते हैं। इसमें आपको मैं स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ। तो दोस्तों जब आप ये सब तैयारी करके जाएंगे तो आपका लर्निंग लाइसेंस पास हो जाएगा और पहले ही दिन आपको मिल जाएगा। मेरे को मिला, बहुत सारे लोगों को मिला। चलिए परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या मिला करना है। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पहले तो आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स लेके गए आप उन डॉक्यूमेंट्स को दोबारा ले जाइए। और यहाँ से मैं आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस भी दिखा देती हूँ। देखिए जो आपको लर्नर लाइसेंस मिला है वो 6 मंथ तक वैलिड रहता है और इसके 1 महीने के बाद आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप सारे डॉक्यूमेंट्स और ये फ़ीस है, आप यहाँ से ये फीस देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप अपना जो भी व्हीकल है उसको व्हीकल पे एल शेप से लिख के लेके जाइए, रेड कलर से लिखा होना चाहिए। और मैं ये कहूँगी कि जिस भी व्हीकल के लिए आपने ट्राई, उसको आप घर में खूब प्रैक्टिस कीजिए। ये आप इस तरीके से लिख लीजिए एल शेप से, एल रेड कलर की टेप आती है आप उसको लिख लीजिए। पहले ऐसे इस तरीके से सीधी टेप लगाइए, उसके बाद एक टेप इस तरीके से लगाइए। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको वहाँ पे किस तरीके का ट्रैक दिया जाएगा। सपोज ये आपको एक तरीके से ट्रैक दिया जाएगा, ड्राइंग के तरीके से समझा रही हूँ, आशा है आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों वहाँ पे सपोज ये समझ लीजिए ये आपको एक चौराहा है, ओके। यहाँ पे ये रेड लाइट है, ये एक रेड लाइट है। तो जब आपको ये ट्रैक दिया जाएगा, आप भी चल रहे होंगे, आपके साथ और भी कंटेस्ट जो भी कैंडिडेट्स हैं वो भी होंगे और पासरबाय लोग भी चल रहे होंगे। तो आपको जो क्या करना है, अपना व्हीकल को जब ग्रीन लाइट हो, अगर आप टू व्हीलर है तो हेलमेट जरूर पहनी है, कार है तो बेल्ट बांधिए और सिग्नल को फॉलो करते हुए, इंडिकेटर देते हुए ग्रीन लाइट होने पर इस तरीके से ट्रैक पार कीजिए। दोस्तों अगर आप इस तरीके से पार करेंगे तो ये राइट है। अब एक ये यहाँ पे ये कट दिख रहा है, ये पासर बाय लोगों के लिए है। ज़्यादातर जो टू व्हीलर वाले होते हैं वो ये गलती करते हैं, वो यहाँ से क्रॉस कर जाते हैं, जो कि रॉन्ग है ये पैदल चलने वालों के लिए। क्योंकि सर ये नहीं देखना चाहते आप कितने जल्दी फास्ट मेरे पास आ रहे हैं, ये कोई स्पीड नहीं है क्या, कितना ओवरटेक करते हैं। अगर आप सही तरीके से इस तरीके से सिग्नल को, रूल को फॉलो करते हुए करेंगे तो ही आप टेस्ट में पास होंगे। तो दोस्तों मेरे को आशा है कि आप सारे नियम का पालन करते हुए
रूल्स को फॉलो करते हुए जब आप चलेंगे तो आपको परमानेंट लाइसेंस मिल जाएगा। और अगर आप इन सब रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपको सर पास कर देंगे और 21 दिन के अंदर अंदर आपके घर पहुंच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आपका ट्विटर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।